कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। हम उर्दू का काम करने लगे हैं। उर्दू के काम में जो हरूफ़ तहजीब में हरूफ कर चुके हैं स्टूडेंट, पहले हम उनको दोहरा लेते हैं ताकि हमें हरूफ अच्छे से याद रहें। ओके स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड। सीन से शीन शेर, स्वा संदूक, ज़वा ज़रीफ, तोई तोता, ज़ोई ज़रूफ, ऐन इमारत, ग़ैन गुबारा, फ़े फौजी, काफ कुल्फी, काफ किताब, गाव घर। आज हमें लिखना है लाम। क्या लिखना है? लाम। अब लाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने बनाना है सीधा स्ट्रेट बिल्कुल वन, और अलिफ जैसे होता है। फिर जैसे आपने सीन का गोल किया था नीचे से, इसको गोल करते वैसे आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। ये आपका क्या बन गया? लाम। लाम के फ्रेंड है लाम लीमू लाम लैम, लाम लीमू लाम लैम। अब हमने कैसे लिखना है लाम? अपने फोर लाइन्स के अंदर ही लिखना है लाम, कोई भी लाइन इसमें स्किप नहीं करनी। अब आप देखिए, फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखें, सीधा अलिफ बनाए, थर्ड लाइन को टच करें, फिर लास्ट लाइन को टच करते हुए गोल करते हुए आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। लास्ट सेकंड लाइन से थोड़ा सा आउट कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा? लाम। अब नुक्तों पे कैसे लिखेंगे? अब फर्स्ट नुक्ते के ऊपर पेंसिल रखें, सीधा अलिफ बनाए, बिल्कुल सीधा नुक्तों को मिलाते हुए, फिर नीचे गोल करें, लास्ट लाइन को टच करते हुए गोल करते हुए आपने लास्ट सेकंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर आउट कर देना है, क्या बन जाएगा आपका? लाम। अब देखिए, किसी ने भी अलिफ को ऐसे आउट नहीं करना नुक्तों से, ना ही कॉर्नर बना के, और ना ही जो है सेकंड लाइन को टच कर देना, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे और ऐसे लिख के दिखाना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आगे बढ़ते जो पढ़ना है, रुकना नहीं।